ये भी आपके हॉस्टल्स में भी आपका काम चलेगा, सारी चीजें चलेंगी, तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल लर्निंग होने वाली है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू कीप अ वॉच ऑन. बट बिफोर आई स्टार्ट, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास एक एंड्रॉइड फोन है? हाथ ऊपर कर दीजिए. इनफैक्ट एंड्रॉइड फोन दिखा दीजिए, मैं निकाल के सब दिखा देंगे और वहीं पे रखेंगे, नीचे नहीं कर रहा. कितनों के पास आईफोन है? आप आईफोन निकाल लीजिए और एंड्रॉइड वाले के ऊपर रखेंगे तो सारे फोन सब ऊपर आ जाएंगे. ठीक है जी, अब हम एक बहुत जरूरी काम करने वाले हैं, हम इनको साइलेंट बढ़ा साइलेंट ऑलरेडी है, काफी देर है यहाँ पे, काफी देर. गुड, अच्छी बात है. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. सॉफ्ट स्किल्स मेरा मेन फोर्टे है, मेरा मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. लेकिन उससे पहले जो स्टॉक आप देख रहे हैं, आप टेडएक्स देख रहे हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड इसके अलग की जो कहानी है, इसके पीछे की जो कहानी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ. आई हैव बीन वर्किंग विद कॉलेजेस, विद यूनिवर्सिटीज एंड विद कॉर्पोरेट्स अक्रॉस द कंट्री. आप जिस शहर का नाम लेंगे, उस शहर के आसपास का जो भी मेट्रो सिटी होगा, मैंने वहां पे काम किया है, उनके कॉलेजेस के साथ काम किया है, वहां पे उनके कंपनीज के साथ काम किया है. तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एक्सपीरियंस मैं लेकर आ रहा हूँ, ये जोशो और टेडेक्स इसका कोई रोल नहीं है. वो मेन क्रक्स, वो जो मेन क्रेडिबिलिटी है, वो वहां से आ रही है, जहां से मैं ऑलरेडी आप ही के जैसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ. आई हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट्स, आई हैव कम अक्रॉस दीज पीपल जिनके रियल प्रॉब्लम है. प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, हमें अच्छा पैकेज चाहिए, एक सेटलमेंट हमें लाइफ में चाहिए. हो सकता है कि हम एक सीए का एग्जाम देना चाहें, आगे जाके एमबीए हमें पढ़ाई करनी है, हम बाहर जाना चाहते हैं, हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन करना चाहते हैं. हो सकता है कि आप में ऐसे कुछ लोग हों जो बिजनेस करना चाहते हैं, हो सकता है कि फैमिली बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं. कॉलेज में आपको ये सारी चीजों का बेनिफिट मिलेगा, इवन इफ यू वॉन्ट टू डू योर ओन बिजनेस, इवन इफ यू वॉन्ट टू टेक अ फैमिली बिजनेस. घर वालों ने बोल दिया कि जी आपने काम करना है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लेना. लेकिन अभी भी यहां पे जो अगले 3-4-5 साल में आपका पर्सनालिटी डेवलप होने वाला है, वो आपके बिजनेस को शूट अप करेगा. सो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर सेल्फ, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर ओन बिजनेस, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर कॉर्पोरेट लाइफ, हायर एजुकेशन लाइफ, अगले 4 साल बहुत जरूरी है. और यहां पे आरआईटी रुड़की में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा. मैं अभी पिछले 1 घंटे से यहां पर हूं, इससे पहले एक सेशन चल रहा था, हालांकि मैं उस सेशन में आ नहीं पाया, लेकिन मुझे जितना भी होते फैकल्टी के साथ मैंने डिस्कस किया है, मैंने आपकी वेबसाइट भी देखी है, सारी चीजें देखी हैं, सारे फैसिलिटीज हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, कहीं भी किसी भी किस्म की परेशानी आपको नहीं होने वाली है. एक जगह आपको परेशानी जरूर होगी, वो ये होगी अगर आप ही उसका फायदा ना उठाना चाहें. अगले 4 साल हैं आपके पास, 4 साल जितने लंबे आपको लग रहे ना, उतनी जल्दी निकल भी जाएंगे. और मैं आपको एक्सपीरियंस से बता, द पीपल यू मीट, द फ्रेंड्स यू मेक, द आइडियाज दैट यू वर्क ऑन, द काइंड ऑफ कंपनीज दैट यू वांट टू वर्क इन, यहां से शुरुआत होगी. डे वन से शुरुआत होगी, इस इंडक्शन प्रोग्राम के खत्म होने के बाद शुरुआत होगी. अगर आपका इंटेंट है, मैं कोई अच्छा सा भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं आपको हकीकत बताने आया हूं. मैं मेरा काम ही हकीकत का है. अगर मैं आपको झूठ बोलूंगा तो मैं शायद यहां तक अभी तक पहुंचते हैं, मेरे को कोई बुलाते नहीं, क्योंकि आप गोली भुजवा रहे हो, शुगर कोटेड चीजें बता रहे हो, हकीकत नहीं बता रहे हो. हकीकत बता रहा हूं आपको, इफ यू रियली वांट अ गुड जॉब, प्लेसमेंट्स होंगी, कंपनीज आएंगे, लेकिन कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है आपको सिलेक्ट करना. कॉलेज आपको प्लेसमेंट दे नहीं सकता, जी हम कंपनी के लिए कंपनी को ले आए हैं, आप हमें फीस दे रहे हो तो आपकी प्लेसमेंट हम लगाएंगे, नहीं होने वाला ऐसा, कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, यहां भी नहीं होगा. कैसे होगा? अगर आप इंटरव्यू को अच्छी तरह से क्रैक करेंगे, अपने रेज्यूमे को बिल्ड करेंगे अगले 3-4 साल, इंटर्नशिप से पार्टिसिपेट करेंगे, टेक्निकल कोर्सेज, टेक्निकल प्रोग्राम, टेक्निकल टूल्स को जानेंगे, समझेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे, वहां से आपकी प्लेसमेंट लगेगी. वो जो 3-4-5 लाख का पैकेज है, वो 8-10 भी जाएगा. इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं मैं. मेरे पास एक नंबर्स है, मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, उंगलियों पर नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है. और आप ही जैसे लोग हैं, चाहे वो टीयर वन सिटी से हो, दिल्ली जैसे शहर से हो, गुड़गांव जैसे शहर से हो, या बिहार में एक ऐसे शहर से हो जिसका किसी ने नाम ही नहीं सुना. 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख का पैकेज आता है. क्यों? इंटेंट है, नियत है काम करने की. आप में वो नियत होनी चाहिए अगले 4 साल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. चाहे अपना बिजनेस खोलना है, चाहे कंपनी में काम करना है, इंटेंट होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए काम करने की. रेज्यूमे पे फोकस करना है आपको, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करना है. आप धंधा तभी कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, जब आपकी पर्सनालिटी होगी. क्योंकि आप किसी और के साथ धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको आगे सामान बेचना हो सकता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाना हो सकता है, अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाना चाहे, हो सकता है कोई ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दुनिया भर के बिजनेसेस हैं. आपकी पर्सनालिटी आउटशाइन करनी चाहिए. और हम एक ऐसे जनरेशन में रह रहे हैं
जहां पे पर्सनालिटी की अहमियत बहुत ज्यादा है, शायद 20 साल पहले भी नहीं थी, आज बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको आज समझ लेंगे तो 4 साल बाद बहुत खुश होंगे, वरना 4 साल बाद रो रहे होंगे कि काश कुछ काम कर लिया होगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। इकलौता कॉलेज नहीं है, 80 से ज्यादा ऐसे कॉलेज में काम कर चुका हूं। कोई बात नहीं, पीछे तक आवाज आ रही है? Yes, sir. नियत होनी चाहिए काम करने की। बहुत सिंपल लॉजिक है। हो सकता है कि सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आपको काम करना पड़े। सॉफ्ट स्किल्स का क्या मतलब है? जो टेक्निकल स्किल्स के अलावा आप सीख रहे हो, आप बैठ कैसे रहे हो, चल कैसे रहे हो, बोल कैसे रहे हो, आपके हैंड्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, आप देख कैसे रहे हो सामने वाले को, आपके चलने से लेके आपके बैठने तक, आपके हाव भाव से लेके आपके मुंह से शब्द निकलने तक, सारे सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो, यहीं से आपको इंटर्नशिप मिलेंगी, यहीं से आपको प्लेसमेंट मिलेगी। रिक्रूटर यही देखता है और कुछ नहीं देखता। आपके रेज्यूमे पे आपके मार्क्स देखेगा, यस, एक क्राइटेरिया होगा 6 CGPA का, 7 CGPA का, वो आपको मैच करने की जरूरत है। बैक नहीं आनी चाहिए अगले 4 साल। कोशिश करना कि कोई बैक पेपर ना है, कॉलेज कुछ नहीं कर पाएगा उस चक्कर में। आपकी इंटेंट होनी चाहिए काम करने की। बहुत प्यार से 4 साल लिख लेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी अगर आप करना चाहोगे। सॉफ्ट स्किल्स पे आपको फोकस करना है। मेरा काम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये सॉफ्ट स्किल्स की कि Tier 1 कॉलेज, SRCC का नाम सुना होगा, हंसराज कॉलेज का नाम सुना होगा, UPS देहरादून है पास में। मैं अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले IIT बॉम्बे में था, वेंसडे को, वहां तक ये प्रॉब्लम है। तो आप इकलौते नहीं हो, ये एक अनोखा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। आप ही के जैसे लोग हैं, थोड़े से मार्क्स ज्यादा आ गए और कुछ भी, वही शहर है, वही लोग हैं, वही उम्र है। इंटेंट अलग है, नियत होनी चाहिए काम करने। बहुत सिंपल है, ज्यादा देर में आपसे बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि कुछ लोग मेरे से सवाल पूछें, तो अगर किसी के पास ये सवाल है, मैं आके आपको माइक भी दे सकता हूँ। माइक चलने लग गए। अगर एक दूसरा माइक है हमारे पास, तो मे बी समबडी कैन जस्ट यू नो उसको सर्कुलेट आप कर सकते हो। किसी को किसी भी किस्म का सवाल बिल्कुल खुल के बात करनी है। फैकल्टी यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं सुन रहा, आप बिल्कुल खुल के बात करिए। आई वुड वांट यू टू इंटरेक्ट विद मी। किसी भी किस्म का सवाल, चाहे कॉलेज को लेके, चाहे पर्सनल लाइफ को लेके, चाहे किसी भी लाइफ को लेके, प्लीज पूछिए। आप ऊपर कर सकते हैं। हाँ जी, हेलो सर, दिस इज दिलीप सुरन। सर मेरा यह सवाल है कि सर स्टेज पे जाने पे इतना घबराहट, स्टेज पे जाने से घबराहट, ठीक है, तो सवाल क्या है कि सर ये घबराहट को दूर कैसे करें, झिझक को कैसे दूर करें? बहुत से सवाल है, यहाँ राउंड अप्लॉज करें। स्टेज पे जाने से पहले यहाँ पे खड़े होके सवाल पूछने में जो झिझक है ना, वो इनमें भी, तो आप उससे आगे हो कि आप खड़े हुए, आपने वो सवाल पूछा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, हर जगह ये सवाल पूछा जाता है कि सर आप एक काम करिए, माइक थोड़ा सा एको कर रही है, आवाज आ रही है? Yes, कि आप स्टेज पर चढ़ जाते हो, बहुत आराम से बात कर लेते हो, कैसे अंदर से कैसे निकलेगा? मैं पैदा नहीं हुआ था स्टेज पे। कोई पैदा नहीं होता स्टेज पे, आप सीखते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखते हो। कैसे सीखते हो? कॉलेज सोसाइटीज के थ्रू सीखते हो। यहाँ पे कॉलेज सोसाइटीज है, बिल्कुल है, आपके इंडक्शन प्रोग्राम में आपको बताया भी गया होगा। अब तो खैर ऑफलाइन खुल गई है सब कुछ, तो आप एक दूसरे के साथ बात करोगे, बैठोगे, मीटिंग्स अरेंज करोगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, इवेंट्स होंगे, सब कुछ होगा। यहाँ पे वो झिझक हटेगी, कोई बात नहीं, आराम से बैठो, यहाँ से वो झिझक हटेगी। कैसे? आप जब एक कॉलेज सोसाइटी में काम करते हो तो एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, चार लोग हेड्स होते हैं, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, स्पॉन्सरशिप हेड, इवेंट हेड, बाहर आउटसाइड क्लाइंट्स के साथ PR हेड। आजकल सोशल मीडिया पे सबके इंस्टाग्राम पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं, उसका एक हेड होगा, उसके नीचे टीम मेंबर्स होंगे जो आप होंगे, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, तो आपके सीनियर्स लीड कर रहे होंगे, आप उन टीम्स के अंदर होंगे। दिस इज नथिंग लेस देन अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोर टीम मेंबर्स, ऐसे ऐसे ग्रो करते हो ना कंपनी के अंदर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हो, यहाँ पे यू हैव टू गेट थिंग्स डन, पैसे रेस कर रहे हो, फंड्स आएंगे, स्पॉन्सरशिप होगा, फेस्ट होगा, कोई इवेंट होगा, कॉर्पोरेट इवेंट होगा, बाहर से लेक्चरर्स आएंगे, मेरे साथ भी कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ लोग बैठे, ऐसा तो नहीं आ गया ना, मैं किसी ने कोऑर्डिनेट किया, मेल भेजी गई, पूरा कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे वो लर्निंग होती है। तो जो आप बोल रहे हो ना, जो झिझक है, यहां से निकलना शुरू हुई। हम आपको भी स्टेज की बात कर रहे हो, हम 4 लोगों के बीच में बैठ के बात नहीं कर पाते, 4 नए लोगों के बीच में बैठ के बात नहीं कर पाते, वो 4 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 होगा, अंदर से झिझक हटेगी, वो 20 का 50, 100 का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, यहां से वो शुरुआत होती है। मैं पैदा नहीं हुआ था स्टेज पे,
मेरा बैकग्राउंड थिएटर का है, मेरा बैकग्राउंड स्कूल में भी जब मैं था, मैं ऐसे सोसाइटीज में, हमारे जो भी कल्चर सोसाइटीज होती थी, स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था, वहां पे आप बात करते हो ना अकेले, तो चुपचाप से तो बैठोगे नहीं कोने में, आपसे काम करवाया जाएगा। जब आप वो काम कर रहे हो वहां पे आप लर्न कर रहे हो, वहां पे आप लोगों से बात कर रहे हो। सो एक रूल आपको बता के जाऊंगा आज मैं, कॉलेज सोसाइटीज में सबने पार्टिसिपेट करना है। ये आपके रिज्यूमे को भी हाईलाइट करेगा, आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करेगा, और चार साल बाद आप यही मुझे बता रहे होंगे कि सर इस कॉलेज सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद जो लर्निंग हुई है मेरी, वो शायद से इसके अलावा नहीं हो पाती। ये मैं हकीकत बता रहा हूं, कोई शुगर कोटेड नहीं है यहां पे, मैं आपके कॉलेज सोसाइटीज को, आपके कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा, ये हर जगह ऐसी होता है, चाहे वो IIT बॉम्बे हो, SRCC हो, चाहे वो Tier 2 Tier 3 कॉलेज हो, सिटी हो, हर जगह ऐसे ही होता है, यही प्रोसेस है। तो जो इंसान आप कॉलेज सोसाइटी में देखोगे और एक इंसान जो कॉलेज सोसाइटी में नहीं है, अपनी कोने में बैठा हुआ है, लंच अपने वही चार लोगों के बीच में कर रहे हैं, उनके पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा, और आप ये अगले चार साल में देखोगे, खुद देखोगे। और अगर देखना देखोगे पता चलता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे मैसेज जरूर डालना। कमिंग टू माई सेकेंड पॉइंट, लिंक्डइन, नाम सुना है सबने लिंक्डइन का? नाम तो सुना ही होगा, कितनों के अकाउंट्स हैं यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर? और ऑनेस्टली बताना, क्योंकि कई लोग ऑनेस्टली नहीं भी खड़ा कर रहे, तो ऑनेस्टली बताना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे सब है, अंडरस्टूड है, फेसबुक पे सब है, चलो फेसबुक पे ठीक है, इंस्टाग्राम पे सब है, राइट, लिंक्डइन पे है सब, कुछ लोग हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन का आईडी आपका आज शाम तक बन जाना चाहिए। मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ कि लिंक्डइन है क्या। चाहे आप खुद का बिजनेस करना चाहो, चाहे अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेना चाहो, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहें, चाहे आप इंटर्नशिप करना चाहें, चाहे आप एक पर्सनल ब्रांड फ्री लांसिंग के अंदर जाना चाहें, काफी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एमसीए के स्टूडेंट्स होंगे, बीसीए के स्टूडेंट्स होंगे, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, UI/UX डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इन ट्रेंडिंग है, ये सारी चीजें, और फ्री लांसर्स उठाए जा रहे हैं, कंपनीज फ्री लांसर्स को उठा रही है, आप ही के जैसे स्टूडेंट्स को उठा रहे हैं। मेरी कंपनी में जो काम कर रहा है वो लास्ट ईयर से काम कर रहा है, वो सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में आ गया, वो पूरा मेरा टेक मैनेज करता है, एक Tier 3 कॉलेज से पूरा टेक मैनेज कर रहा है, इज वर्किंग विद मी, इज ट्रैवलिंग द कंट्री विद मी, आप ही के तरह का स्टूडेंट है। इनफैक्ट अब तो उसने बोलना शुरू किया, वो थोड़ा सा और अंदर से निकल रहा है बाहर, उसका एनर्जी निकल रही है, वरना लास्ट ईयर तक तो बिल्कुल सहमा सा एक स्टूडेंट था जिसको काम करना था बस, तो मैंने काम के बदलोते पे उसको उठाया, इंटर्नशिप दिलवाई, ऑनलाइन थी इंटर्नशिप, इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, पर्सन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप चाहो तो एक ऑनलाइन मीटिंग भी करवा सकता हूँ उससे, आपको कनेक्ट भी कराऊंगा, मुकुल चुक नाम है, सर्च करना। कहने का मतलब है कि लिंक्डइन पे आपको ये भी पता चलेगा कि लोग कर क्या रहे हैं, एज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देता हूँ, हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं, मूवी देखने जाते हैं, डेट्स पे जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, स्टोरी डालते हैं हम इंस्टाग्राम पे, ये आज हम यहाँ गए, ये कॉफी पी रहे हैं हम, ये पास्ता खा रहे हैं, या हम घूम रहे हैं मेट्रो में, घूम रहे हैं दिल्ली शहर में आ गए, ये डालते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज हम डालते हैं, क्या ये चीज आप लिंक्डइन पे डालोगे? नहीं। लेकिन अगर आप एक कोर्स खत्म करते हो, आयुष डेवलपमेंट का आपने कोर्स खत्म किया, आपने एक इंटर्नशिप ज्वाइन करी, तो क्या आप उसको इंस्टाग्राम पे डालोगे? आप लिंक्डइन पे डालोगे। तो आपका प्रोफेशनल साइड जो है, हर इंसान के तीन साइड्स होते हैं, एक होता है पर्सनल साइड जो आप अपने बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हो, एक होता है सोशल सर्कल जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सारी चीज आपके सोशल लाइफ में आ जाती है। द थर्ड साइड इज प्रोफेशनल साइड, चाहे वो आपका एक फैमिली बिजनेस हो, चाहे वो आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे वो एक पर्सनल ब्रांड हो, चाहे वो एक कंपनी के रोल में आप काम कर रहे हैं, आपका वो प्रोफेशनल साइड है। चाहे आप एक स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट आज के डेट में लिंक्डइन के ऊपर है, आप तो फिर भी कॉलेज में आओ, लिंक्डइन का आईडी आपका बन जाना चाहिए। आपको पता चलेगा कि लोग कर क्या रहे हैं, वो कौन से नई टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो मुझे आज आनी चाहिए, क्योंकि तीन साल बाद उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होने वाली है। और एक रिक्रूटर जब आपके कॉलेज में आएगा, चाहे वो प्लेसमेंट सेल के थ्रू आए, चाहे वो किसी और तरीके से आए, वो यही देखेगा कि क्या आप काम कर सकते हो या नहीं। कॉलेज आपको प्लेसमेंट की गारंटी नहीं दे सकता, देगा भी नहीं, कोई कॉलेज नहीं देता, चाहे वहां पे फीस 3 लाख हो, 4 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, गारंटी तो है ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है, कंपनी ने आपको सैलरी देनी है, कंपनी में ने आपसे काम करवाना है, कॉलेज का तो कोई रोल ही नहीं उसमें। So, आपका रोल है इसका, आपकी पर्सनालिटी, आपका रेज्यूमे, आपके स्किल्स कितने अच्छे हैं 3 साल बाद, नॉट इवन 4, क्योंकि प्लेसमेंट्स आपके 3 साल खत्म होते ही शुरू हो जाएंगे। तो 2023 में आपके प्लेसमेंट शुरू हो जाएंगे,
तब तक का टाइम है आपके पास, 3 साल जितने लंबे आपको लग रहे हैं 3 साल ऐसे नहीं है। बीच में आपकी इंटर्नशिप भी होनी चाहिए, बीच में आपको थोड़ा बहुत टेक का भी आइडिया होना चाहिए। आजकल सब कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर है, ऑफिस में हर जगह कंप्यूटर्स हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे हम बाहर निकलेंगे उस एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से, और हमें इंट्रैक्शन करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा। और कोई सवाल? अच्छा सवाल है, हाँ जी सर। जैसे फोकस किसी चीज पर नहीं रह पाते, जैसे आपने अभी मोटिवेशनल बातें की, हम मोटिवेट रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी चीज बाहर किसी चीज को देखते हैं तो फिर हम अपने फोकस हट जाते हैं, फोकस हट जाते हैं, बिल्कुल। तो फोकस कैसे रहेंगे? और किसके पास ये सेम सवाल है? कई बार मेरे साथ ही होता है, बैठ जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, फिर वापस वही सेम। एक टेक्निक बताऊंगा आपको, गारंटीड टेक्निक है। एक डायरी लेनी है आपने, नोटबुक, फोन की बात नहीं कर रहा हूं, डायरी लेनी है, नोटबुक, उसके अंदर आपको बनाना है टू डू लिस्ट कि अगले 2 दिन में आपने काम करना क्या है, और वो लिखित में कलम उठा के आपको लिखना है, चाहे वो पेन हो चाहे वो पेंसिल हो, आपको लिखना है उस चीज को कि आपने अगले 2 दिन में 3 दिन में काम करना क्या है, और आपको वो काम खत्म करना अगले 3 दिन में, चाहे जैसे मर्जी करो आप। ये एक बारी होगा, ये 2 बारी होगा, हो सकता है कि पहले 3 बारी ना आप कर पाओ, आधी चीजें खत्म कर पाओ, 4 चीजें खत्म कर पाओ। एक टाइम आएगा बॉस, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, आप बहुत आराम से अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, आप 4 चीजें और कर पाओगे, और बीच में अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर की चीजें भी कर लोगे। वो टाइम मैनेजमेंट आपको आज से सीखना पड़ेगा, गारंटी दे रहा हूं। ये जो कागज और कलम का जो खेल है ना, बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है, मैं आज भी यूज करता हूँ। इनफैक्ट अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, मैं आप कोई आना नीचे आना, मैं अपनी डायरी दिखाऊंगा, मजाक ही कर रहा हूँ, डायरी मेरे बैग में अंदर नीचे स्टाफ रूम में, मैं नहीं लाया बैग, प्लीज 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 कह रहा हूँ सर, आपको मैं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा के जाऊँगा। वो लिस्ट आपको इंटैक्ट होगी। मैं कल बॉम्बे से वापस आया, कल रात को सुबह 6-5 बजे उठा ताकि मैं गाड़ी से टाइम से पहुंच पाऊँ, यहाँ पूरी 8 घंटे की नींद भी नहीं आई, लेकिन वो काम करना है। बैठना बहुत आसान है, सैटरडे का दिन कौन नहीं सोना चाहेगा, लेकिन काम करना है। तो वो टू डू लिस्ट आपको बताएगी कि सबकॉन्शियसली बॉस ये काम करना है, इधर उधर की चीजें नहीं हो पाएंगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा और मजा आने लग जाएगा आपको काम करते करते। करके देखना, मेरे को बताना क्या नाम आपका? मनीष। कौन से कोर्स में हो? बीटेक सीएसई। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ मैं चाहूंगा कि आप कंप्यूटर्स के अराउंड जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या इंटरेस्ट है आपका? वैसे पूछना चाहूंगा, हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ना हो। बोडिंग, किस किस्म की बोडिंग? सर लाइक किसी ऐप डेवलप करना, वेब पेजेस बनाना। ठीक है, वेब पेजेस, कोई ऐसे 2 प्लेटफॉर्म बता सकते हो जिसमें वेब? सर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू पेजेस। ठीक है, हार्डकोर बोडिंग हो गई। नोड जीएस, जीएस का नाम सुना आपने? किसने सुना? नहीं सुना। नोड जीएस होगा, वर्डप्रेस होता है, एलिमेंट, बहुत सारे अलग अलग किस्म के ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन जिसके थ्रू आप, ओपन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वेबसाइट डिजाइनिंग ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। गुड, फर्स्ट ईयर में आया, अभी शुरू भी नहीं हुआ है, एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स, आपको करना पड़ेगा। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लास्ट 8-9 के स्टूडेंट्स आज के डेट में ऐप बना के दे रहे हैं, बेच रहे हैं, वेबसाइट बना के बेच रहे हैं, फ्रीलांसिंग में 15-20-25-30 हजार के वेबसाइट बना रहे हैं 4-4 दिन में। मैंने भी वह पहले बनवाई थी, सो हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। इंटेंट होनी चाहिए, लिखो, कोर्सेज कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, गेट इन योर इंटर्नशिप उठाओ, कहाँ मैं सीख सकता हूँ, कहाँ मैं सीख सकती हूँ, कहाँ मैं इंटर्नशिप में इस स्किल को यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वहां से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इंटर्नशिप अगर आप करोगे आपके रिज्यूमे के ऊपर, 3 साल बाद इतना मटीरियल हो जाएगा कि आपको फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा डालू या कौन सा ना डालू, उस लेवल तक आने की जरूरत है। तो अच्छा इंटेंट आपका, कैन यू हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एनीबडी एल्स, कोई और सवाल? हाँ जी, आप करियर पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, कॉलेज लाइफ की पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, दोनों की बात? ठीक, बहुत अच्छा सवाल, इनका सवाल आप बैठो, इनका सवाल ये है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हमें पता तो है नहीं करना है, शुरुआत कहां से होगी, पहला स्टेप कहां से आएगा? बहुत अच्छा सवाल है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, जो पहला स्टेप आप लोगे ना, वो 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा।
कॉम्बिनेशन होगा। जब आपको पता है कि करना क्या है, आपके पास एक ऐसा सीनियर, चाहे वो आपका बड़ा भाई हो, चाहे वो आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का सीनियर हो, चाहे वो एक आप ही के कॉलेज का एलुमनाई हो, चाहे वो एक चाचा जी का लड़का हो, जिसको पता है कि आपकी फील्ड में होता क्या है, ऐसा एक इंसान आपके लाइफ में जरूर होना चाहिए, वो जिससे आप बात कर सको कि मुझे ये काम करना है इस पर्टिकुलर फील्ड में कैसे करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने वही काम कुछ साल पहले किया है, तो उन्होंने कुछ तो ठीक किया ना कि वो तीन साल बाद उस चीज को कर पाए इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। मैं आपको रास्ता दे सकता हूं, लेकिन वो टेक्निकल स्टेप आपको टेक्निकल इंसान बताएगा। तो ऐसा एक इंसान ढूंढिए, दिस इज फॉर एवरीवन, चाहे वो आपका फैमिली बिजनेस ही क्यों ना हो। फैमिली बिजनेस को आगे ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, पापा होते हैं, चाचा जी होते हैं, ताया जी होते हैं, फैमिली बिजनेस ऐसे चलते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, चाहे वो एक दुकान हो, चाहे वो एक बिजनेस हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, ट्रेड हो, चाहे जो मर्जी हो, खुद का बिजनेस हो, तो हो सकता है कि आपको ऐसा एक इंसान ढूंढना पड़े जिसने अभी रिसेंटली या तीन चार साल पहले अपनी खुद की कंपनी खड़ी करी हो। कैसे शुरुआत करी, पहला स्टेप क्या था, उसका स्टेप डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको करना क्या है, व्हाट इज योर इंटेंट। तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन होती है, लिंक्डइन के थ्रू आपको पता चलेगा कि दुनिया कर क्या रही है, मेरे अलावा और ऐसे कौन लोग हैं जो सेम सवाल पूछ रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कौन से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, वो कौन से इवेंट्स में जा रहे हैं, वो कौन से कॉर्पोरेट इवेंट्स में जा रहे हैं, उनके दोस्त कौन है, मैं कहां पे कैसे किसके साथ बात कर सकता हूं या कर सकती हूं, आपका सवाल कैसे अंदर से कैसे झिझक निकलेगी लोगों से शुरुआत करके, आपका कॉलेज सोसाइटी से शुरुआत करके। सो वो झिझक जो है वो कॉलेज सोसाइटी से हट रही है। करना क्या है वो आपको लिंक्डइन भी बता रहा है, वो पहला स्टेप क्या हो रहा है वो आपको एक मेंटर बता रहा है आपकी लाइफ में, तो एक कॉम्बिनेशन है, समझ आ रही है मैं कह रहा हूं, एक कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीजें तब तक नहीं हो पाएगी जब तक, अभी मैंने आपका पहला सेंटेंस ये था, नियत होनी चाहिए, इंटेंट होना चाहिए, बहुत सीरियसली बता रहा हूं। इस चीज को मैनेज कैसे करोगे, वो टू डू लिस्ट के साथ काम कैसे करना है, ये सारी चीजें अगले चार साल चार दिनों में मुझे ये सवालों के जवाब चाहिए, मुझे ये काम करना है, चाहे वो वेबसाइट पे जाके एक होमवर्क करना हो कि इस कोर्स में करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्या होता है, चाहे एक इंसान से बात करना हो, शर्मा जी का लड़का या गुप्ता जी की लड़की से बात करनी है कि आपके इस पर्टिकुलर कोर्स में करना क्या होता है, कैसे करना होता है, वो आपको जवाब बताएंगे। वो सवाल आप तब तक नहीं पूछ पाओगे जब तक आपको याद ही नहीं है कि वो सवाल पूछना है, इसलिए वो टू डू लिस्ट आ जाती है और यहां से वो झिझक निकलनी शुरू हो जाती है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, कुछ कुछ आइडिया मिल रहा है आपको, थोड़ा सा विजुअलाइज करो चीज को कि आप ही के सिचुएशन में आप ही के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाते अगर यही आपका सवाल होता। बहुत सवाल है, इनका सवाल यह है कि फ्रीलांसिंग करने के लिए क्या आपको एक डिग्री की जरूरत है या एक पर्टिकुलर कोर्स की जरूरत है, ये सवाल है आपका। बैठी, क्या नाम है आपका? आयुषी सिन्हा। आयुषी, और बहुत सा सवाल है, किस किस्म की फ्रीलांसिंग करना चाहते हो? वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो भी दो बता दीजिए मुझे, HTML, CSS, Java, उन्होंने बता दिया मुझे, ठीक है। आपको वर्डप्रेस की नॉलेज होनी चाहिए आज के डेट में। वर्डप्रेस का नाम सुना है किसी ने? राइट, इट्स एन ओपन सोर्स टूल, ठीक है ना, बहुत जरूरी टूल है ये। HTML, JavaScript, वो हार्डकोर कोडिंग से तो बनी ही बनी। यहाँ पे फ्रीलांसिंग में क्या होता है, फ्रीलांसिंग कोई भी कर सकता है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, चाहे वो वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग हो। मैंने अभी रिसेंटली एक डिजिटल मार्केटर हायर किया था, फ्रीलांसर स्टूडेंट, क्लास 11th की स्टूडेंट है, उसको मैं बॉम्बे में मिलकर आया हूँ, वो मेरा डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसको वो काम करना है, नॉट बिकॉज ऑफ हर डिग्री, बट बिकॉज शी इज गुड एट हर वर्क। अब उसने वो स्किल्स कहाँ से लिए? उसने कोर्सेरा पे एक दो कोर्सेस करे थे, उसने यूट्यूब से सीखा, उसने अपने ही इंस्टाग्राम पे उसको अप्लाई किया, 2000 रुपए लगा के, 3000 रुपए लगा के, उससे क्या हुआ, उसको एक रिटर्न मिला अपने एक दोस्त के बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, उसने अपनी जेब से पैसा लिया। लेकिन वो रिटर्न उसने मुझे दिखाया कि सर अगर मैं 2000-3000 पे रिटर्न निकाल सकती हूँ, तो आप अगर मेरे को 20000 दोगे ना, तो ये रिटर्न मैं आपको दे सकती हूँ, तो मैं खुश। मुझे तो काम से मतलब है ना, मुझे उसकी डिग्री से क्या मतलब है, मुझे तो इवेंचुअली अपने इंस्टाग्राम को प्रमोट कराना है। वो चाहे आप जैसे मर्जी करो, आपको स्किल पता होनी चाहिए, तो स्किल इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली विद वेब डिजाइनिंग, जो इंसान वेबसाइट बनाना जानता है वही वो काम कर सकता है, ना कि समबडी जिसके पास एक डिग्री हो लेकिन फिर भी वेबसाइट डिजाइन करना ना हो, ना आया हो या ना आता हो। सो यू नीड टू फोकस ऑन द स्किल। फ्रीलांसिंग, टू आंसर योर क्वेश्चन, फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है,
नहीं है. इनफैक्ट आप हो सकते हैं आप स्कूल में हो, मैं आपको अभी एग्जांपल बताया, वो क्लास 11th की स्टूडेंट है, इसी साल क्लास 11th में आई, लेकिन सोच आ गई थी, इंटेंट है काम करने का. और पैसे का इंटेंट नहीं है कि मुझे 50,000 1,00,000 रुपए महीने कमाने, नहीं, मैं अगर 2,000-4,000 रुपए कमा रही हूँ ना, तो वो बिल्ड हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, मेरी स्किल सेट इंप्रूव हो रही है. तो वो छोटे से स्टेप के साथ आप शुरुआत करते हो. स्किल यूट्यूब कोर्सेज, यहाँ पे आपके कॉलेज में भी कुछ ऐसे टेक्निकल कोर्सेज होंगे, जैसे ऐप डेवलपमेंट का कोर्स होते रहेंगे, पूरे साल चलेंगे, तो इनमें पार्टिसिपेट करना शुरू करो, खुद प्रैक्टिस करना शुरू करो. वेबसाइट डिजाइनिंग अगर आपको आ गई, सपोजिंग आपको HTML, JavaScript, CSS पता है, आपने एक लोकल सर्वर पे एक वेबसाइट बना ली, किसी भी चीज की, किसी अपनी ही वेबसाइट बना ली, पर्सनल वेबसाइट भी होती है, मेरी भी वेबसाइट है, सबकी वेबसाइट होती है, किसी कंपनी का वेबसाइट होता है, किसी एक फ्रेंड की वेबसाइट, आप बोलो कि चल मैं बना के दिखाती हूँ, डिजाइन करो. अब वो वेबसाइट आपने बना ली तो वो आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गया, ये काम आप जानते हो, इस तरीके की वेबसाइट आप बना सकते हो. और तब आप फ्रीलांसिंग के लिए लोगों से बात करना शुरू करोगे लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू. इंस्टाग्राम कैन ऑल्सो बी यूज एज अ टूल टू फाइंड इंटर्नशिप्स. मैं बहुत सारे इंटर्नशिप्स इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, बहुत सारे जॉब ओपनिंग इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग डालते हैं. फॉलो द राइट पीपल एंड गेट दोज इंटर्नशिप्स. लिंक्डइन पे तो वो आएगा ही आएगा. लुकिंग फॉर अ फ्रीलांस वेब डेवलपर फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, ये करके आपके पास आएगा. जॉब्स का एक सेक्शन है जिसके अंदर फ्रीलांसर का ऑप्शन है. आई एम पुटिंग अप अ जॉब नोटिफिकेशन बट फॉर फ्रीलांसर्स. मैं 2 महीने के लिए एक फ्रीलांसर हायर करना चाहता हूं जो मेरी वेबसाइट बनाएगा, एंड दिस इज अ स्टाइपेंड आई एम गिविंग. मिल गया आपको आंसर आपका. सो लिंक्डइन टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या आपको किसी डिग्री कोर्स की जरूरत है? नहीं, स्किल की जरूरत है. गुड, कैन यू राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तो ये इतनी सारी चीजें में हम लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि जाए कहाँ पे. ठीक है, ये अभी रहेगा कंफ्यूजन, क्योंकि अभी आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, सब कुछ दिखाया जाएगा, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अभी डेवलप होगा, तो घबराने की बात नहीं, यू शुड बी एक्साइटेड. तो ऐप डेवलपमेंट करना चाहती हूँ या वेब डिजाइनिंग करना चाहती हूँ, या हो सकता है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करना चाहती हूँ, कुछ भी हो सकता है. जावास्क्रिप्ट में मजा आ रहा है, नहीं एचटीएमएल में ज्यादा मजा आ रहा है. अच्छा, सीएसएस में ज्यादा मजा आ रहा है. सीएसएस एंड एचटीएमएल कैन गो टुगेदर, लेकिन उसको हो सकता है आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत ना हो. तो ये भी कॉम्बिनेशन होंगे, आपको समझ आएगा आप पढ़ोगे इन चीजों के बारे में. तो ये सारी चीजें आपको अभी थोड़े टाइम में पता चलेगी, घबराने की बात नहीं, यू शुड बी एक्साइटेड फॉर. गुड क्वेश्चन, जनरल सवाल है. सवाल पूछे मेरे से. हाँ जी सर. बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, और होता है लोगों में, गिल्ट होती है, खुद के लिए गिल्ट है. कई बार गिल्ट होती है ना, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन एक चीट डे कर लिया हमने, पेस्ट्री खा ली, अरे कई भैंस पानी, इतना अच्छा वर्कआउट चल रहा था, डाइट मेंटेन करी थी, वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी. उसी तरीके से ये भी होता है कि सोचा तो था कि कुछ काम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए. टू डू लिस्ट आप बनाओ, लिस्ट बनाओ, वो कलम और कागज का जो खेल है, मजाक नहीं है, आज भी करता हूँ. इट इज नॉट ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, आई एम फार मोर टेक्निकली एडवांस इवन इफ आई एम टॉकिंग टू अ कंप्यूटर साइंस. मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ, लेकिन वो कागज और कलम का जो खेल है ना, आपको वो सबकॉन्शियसली बताएगा कि आपको वो काम करते रहना है. एक बार ही प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, एक बार ही गिल्ट फीलिंग आएगी, दो बार आएगी, तीन बार आएगी, आप अपने आप झक मार के काम करोगे. आप उसको टाइम दो, वक्त दो, लेकिन वो लिस्ट बना लो, वो लिस्ट बनाना शुरू करो. जब आई टेल यू द साइंस बिहाइंड, मैं आपको साइंस बताता हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो सुनने में अच्छी लगती है, साइंटिफिक है. और उसका साइंस ये है कि जब आप एक चीज को लिखते हो अपनी चीज के लिए, ना कि नोट्स बना रहे हो, वो अलग चीज है, लेकिन जब आप खुद अपनी एक चीज पेपर में लिखते हो, आपके दिमाग में वो साइंटिफिकली ज्यादा बेटर तरीके से रजिस्टर होती है. दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, दिस हैज नथिंग टू डू विद ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और ये आने वाले 50 साल में भी ऐसी रहेगी. जब आपने कुछ चीज लिख दी, हमारा ब्रेन उसको बेटर तरीके से एडजस्ट करता है, समझता है. अब जब वो आपने ऑटोमेटिकली अपने ब्रेन में एंटर कर दिया है, सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर का जो दूसरा इंसान है, वो आपको थ्रू आउट बताता रहेगा कि ये काम अभी पेंडिंग है. एक बार ही होगा,
दो बारी होगा, पांच बारी होगा, आप उसको छत मार के काम करना शुरू करोगे, एक्सपीरियंस इट, फील करना इसको, लिखो, ट्राई करो, हफ्ता दो इसको, हफ्ता दस दिन दो, एंड यू विल लव इट कि यार काम एक्चुअली में होना शुरू हो गया। कोई पैदा नहीं होता एक टू डू लिस्ट के साथ, बनाते हो, यू डेवलप इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने कई बार देखो फैमिली बिजनेसेस भी ऐसी काम करते हैं, पेपर पे लिख के, कितनों के फैमिली बिजनेस है यहाँ पे, चार पांच लोग हैं, डेफिनेटली ऐसे ही काम होता है, बहुत बेसिक तरीके से काम होता है, कोई हाईफाई काम नहीं होता, पेपर पेन पे होता है काम, ये काम करना था, ऐसे करना है, इसको इतना पैसे देने हैं, इससे इतनी बात करनी है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, काम ऐसे होता है, बिजनेस ऐसे होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही चीज चल जाएगी। अगर आप एक ऑफिस में बैठ के एक डायरी में कुछ नहीं लिख रहे तो रिक्रूटर की नजर आपके ऊपर जाएगी कि क्या कर रहे हो आप, काम कर कैसे रहे हो, लिखे मैं रखूंगा उसको, द पॉइंटर्स दैट यू टू मेक, द नोट्स दैट यू टू मेक हैव टू बी ऑन पेपर एंड पेंसिल, थ्रू अ पेपर एंड पेंसिल। ट्राई करना एक बारी, मेरे को बताना। थैंक यू सर, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू। बहुत सिंपल सवाल है, स्टार्टअप, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बहुत सा सवाल है, क्या नाम आपका? प्रत्युष, कैन यू राउंड अप्लॉज, इसका आंसर मैं खुद दे सकता हूं कि मेरा खुद का स्टार्टअप है। आप बैठिए, मैं आपको आंसर बता दूं। कई बेनिफिट्स हैं, कई नुकसान भी हैं, लेकिन बेनिफिट ज्यादा है एंड इट इज वर्थ इट। स्टार्टअप हमें लगता है कि एक जोमैटो की तरह हमें एक स्टार्टअप बनाने की जरूरत है। एक ऐसा पॉइंट डीसीएक्स का नाम सुना होगा आपने, आज क्रिप्टो करेंसी की बड़ी बातें हो रही हैं, और ये जी ये स्टार्टअप होता है, ऐसे गिन के आप 5-10 बता पाओगे मुझे, लेकिन एक साल में इंडिया में आज के डेट में 10,000 स्टार्टअप्स लिस्ट हो रहे हैं, तो बाकी 9,990 स्टार्टअप्स क्या काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो ये जो एक भ्रम है लोग जो जिसमें जी रहे हैं, दैट अ स्टार्टअप हैज टू बी अ यूनिकॉर्न लेवल स्टार्टअप, 50 करोड़ की फंडिंग, 2 लाख आपका टर्नओवर आ रहा है हर दिन का, कुछ नहीं ऐसा, बिजनेस करना आना चाहिए आपको, धंधा, आपने अपनी कंपनी बनाई, चाहे वो आप खुद एक एजुकेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड है, चाहे वो एक नया कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एक दुकान आप खोल रहे हो, इट इज अ स्टार्टअप, इट इज बिजनेस। और याद रखना, कोई किसी को धंधा करना सिखा नहीं सकता। सो टू डू योर स्टार्टअप बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो, आप किस एरिया में करना चाहते हो, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, पैसा आप कितना जनरेट करोगे, कैसे जनरेट करोगे, वो लेटर स्टेज पर आता है। इंटेंट होनी चाहिए, आपने उसको रजिस्टर कराया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आज के डेट में 10,000 से कम है। पूरे स्टार्टअप को रजिस्टर कराने से लेके 2 महीने के लीगल एक्सपेंसेस तक 10,000 से कम है। इससे ज्यादा तो हम आने जाने में खर्च कर देते हैं महीने में, पेट्रोल 100 रुपए पहुंच चुका है। इट इज दैट चीप, इट इज दैट इजी। और ये आपको बैठ के नहीं करना, क्योंकि आप वो टेक्निकल स्टूडेंट्स, आपको लगेगा जी हम अकाउंट्स कैसे मैनेज करेंगे, बिजनेस कैसे खोलेंगे, लीगैलिटीज को कैसे मैनेज करेंगे, आप थोड़ा ना करते हो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, वो भी तो इतनी पढ़ाई कर रहा ना ताकि बिजनेस को हेल्प कर पाए, 5 साल की पढ़ाई करी है उन्होंने, वो एक छोटी सी फीस लेंगे, छोटी सी 2,000-3,000 महीने का, टू स्टार्ट विद, कुछ नहीं है उनका काम है आपके पूरे बिजनेस के लीगैलिटीज को देखना, आपका काम है उनको वो बताना जो वो जानना चाहते हैं, चाहे वो आपके इनवॉइसिंग हो, चाहे वो फाइनेंस की चीज हो, चाहे वो लीगल चीज हो, वो आपसे वो पूछेंगे, आप उनको बताओगे, साथ में तालमेल बना के काम होगा। आपका काम टेक्निकल काम होना चाहिए जिसमें आप अच्छे हो, चाहे वो एक एजेंसी खोलना हो, मार्केटिंग एजेंसी खोलना हो, चाहे वो एक प्लेटफॉर्म डिजाइन करना हो, ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स आ गए, चाहे वो एक फाइनेंस का टूल डिजाइन करना हो, चाहे वो एक दुकान खोलना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना हो, मिठाई की दुकान आपको खोलनी है, जो मर्जी बिजनेस आपको करना है, उसका मेन काम आप करोगे, बाकी की चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ टू आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि आप जब रोज उठोगे, आप उस बच्चे के लिए काम कर रहे हो, आपका बच्चा है, इट इज योर बेबी, यू विल फील फॉर इट, आपने उसको पैदा किया है लीगली, मतलब लीगल टर्म्स में उसकी एग्जिस्टेंस बन गई, उसका एक नाम है, हो सकता है एक दुकान है, उसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। तो जब आप रोज सुबह उठोगे, आपके दिमाग में एक मोटिव रहेगा, ये चीज ऐसे बताना बहुत आसान है, लेकिन जब आप एक्चुअली फील करोगे, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, अगर वो कहीं काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस हो किसी का, तो आपको दिखेगा कि रोज कुछ ना कुछ उस अपनी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ये तभी आएगा जब आप स्टार्ट करोगे। तो उसका बेनिफिट पहला ये है कि आपके पास रोज उठने के लिए एक रीजन होगा,
आप लड़ोगे नहीं कि आज फिर ऑफिस जाना है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जब चाहें छुट्टी ले सकते हो। आपको लगता है कि अच्छा आज कुछ फैमिली फंक्शन है, अच्छा आज कहीं जाना है, आज तबीयत खराब है, ठीक है 4 घंटे एक्स्ट्रा सो लिए, पहले काम कर लिए, बाद में बाकी का काम कर लेंगे। आप किसी को डेलीगेट कर सकते हो काम। ये बेनिफिट्स आ जाते हैं। डिसएडवांटेज इसका मेन ये होता है कि हाँ, आप जो एक इनकम, एक सिक्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम आपको जो मिलती है वो आपको शायद से नहीं मिलती, लेकिन वो वर्थ इट है। जो पीस ऑफ माइंड, जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने बिजनेस के साथ मिलेगी, वो आपको हो सकता है कि उस जॉब में ना मिले, लेकिन उसका एक इंटेंट होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जॉब करना गलत है। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु लव देयर जॉब। मैं भी फैकल्टी, एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम करता हूँ। आई एम वर्किंग फॉर समबडी, आई एम बीइंग हायर्ड, बट आई लव व्हाट आई डू एंड आई लव द कल्चर। सो नौकरी करना भी गलत नहीं है, स्टार्टअप करना भी गलत नहीं है। इस एज में अगर आप अगले 4 साल में स्टार्टअप खोलते हो, उस पे काम करते हो, यू आर इन द बेस्ट पोजिशन टू डू इट। क्यों? क्योंकि अभी आपको हो सकता है घर ना चलाना हो सकता है कि अभी आपके पास वो टाइम है, स्पेस है, आपको आपके कॉलेज से सपोर्ट मिलेगा, आपको नेटवर्किंग मिलेगी, यू आर स्टार्टिंग योर डे विद दैट इंटेंट। आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अपने काम पे भी फोकस कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है। इसलिए मैंने बोला बेनिफिट ज्यादा है नुकसान से। इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट, दिस इज द टाइम टू डू इट। I know so many people from tier 2, tier 3 cities and colleges जो अपने एक dormitory, hostel के कमरे से अपने laptop के ऊपर अपनी company start करके business कर रहे हैं। महीने के 10,000 से शुरुआत किया, 5,000 से शुरुआत किया, एक महीने में कुछ भी turnover नहीं हुआ, 50,000, 60,000 हो गया, एक साल के अंदर अंदर उन्होंने अपने पूरे college fees को recover कर लिया। ये दूर की चीज़ है, लेकिन start हमेशा एक छोटे step से होता है। इसलिए मैं ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता इस चीज को। आपकी इंटेंट होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। आज भी अपने काम के लिए मैं वो टू डू लिस्ट बनाता हूँ। सिर्फ ये नहीं कि मेरे को काम क्या करना है, अपने काम के लिए वो टू डू लिस्ट बनती है अलग से पेज के ऊपर। इंटेंट होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट इज ईजी, यू नीड द राइट पीपल विद यू। आप इकलौते नहीं हो गए कंपनी को चलाने वाले, आपके साथ हो सकता है कि 4 लोग आपको इकट्ठे करने पड़े, एज इंटर्न्स, एज एम्प्लॉइज, एज फ्रेंड्स। यार तुम मेरे साथ ये हेल्प करो, 10,000 से मैं से तुम 4,000 रुपये लेना, लेकिन वो कोशिश तो करो, स्टार्ट तो करो। क्या ये चीज़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और मैं आपको एक दावे से कह सकता हूँ, ऐसा ही सेशन सेम बैच स्टूडेंट्स के साथ मैं 2 साल बाद करूँगा, सर वापस आएंगे यहाँ पे एंड पूछेंगे एक बारी कि कितने लोगों ने जेन्युइनली अपनी कंपनी स्टार्ट करी। जेन्युइनली वो एक इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, वो एक फेसबुक पेज हो सकता है, वो एक ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, बेसिक सी वेबसाइट हो सकती है, ई कॉमर्स वेबसाइट जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो, दुकान हो सकती है जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग हो सकती है। मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे हमें, वो आज से शुरुआत होगी। गुड क्वेश्चन। कुछ समझ आ रहा है? Yes, कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत नहीं समझ आ रहा तो बताओ यार एक बार। आई कैन एक्चुअली एक्सप्लेन समथिंग अगेन इन डिफरेंट वेज। गुड क्वेश्चन। एनीबडी एल्स? हाँ जी सर, एक सेकंड, आपसे पहले ना उनका एक सवाल था, मैं भूल गया। बहुत सा सवाल है। सवाल यह है कि कर तो लिया लेकिन हमसे ना हो पाएगा। इसके आगे क्वालिटी के इशू आ जाती है कि हमने सोचा था कि ताज में बनाएंगे, क्या बना वो? कुछ भी नहीं है ना, एक सफेद किला बन गया बस। हो सकता है, ऐसा होता भी है, कई बार ऐसा होता है, आज भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है, लाइफ में होता है। आपकी इंटेंट यानी कि नियत साफ होनी चाहिए। दूसरी चीज, अपने अंदर जो ईगो होता है दैट आई एम ऑलवेज राइट, और जो मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं या मेरे काम करने का तरीका सबसे सही है और जो दूसरा इंसान बोल रहा है वो गलत है, इस वहम में मत रहना, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकालो। यू विल बी रॉन्ग। हो सकता है कि आपके काम करने का तरीका इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गलत है। अगर आप वो प्रोसेस को फॉलो करोगे तो वो ताजमहल कुछ और ही बनेगा और फिर आपको लगेगा कि ये हमसे ना हो पाएगा। तो आपको आसपास के लोगों से बात करने की जरूरत है और उनके इनपुट को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ मैं गलत हूं, इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर अ मेंटोर कम्स इन, एक ऐसा इंसान
जो अनबायस तरीके से आपसे बात करेगा। पेरेंट्स यूजुअली एक अच्छे मेंटोर नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि एक इमोशनल बायस होता है, वो आप उन्हीं के बच्चे हो, राइट? वो आपके लिए ज्यादा रिस्की चीज नहीं देखेंगे, वो चाहेंगे कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में रहे। हो सकता है कि आपको डिस्करेज करें कि अरे सब ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, या एक अच्छे तरीके से बात करें। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो who's a good listener, who will give you an unbiased opinion। इसीलिए दूर के रिश्तेदार, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पेरेंट्स, एलुमनाई मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स, जिनका एक इमोशनल ब्लड रिलेशन नहीं है आपके साथ, एक अच्छे लिसनर हैं, अपने काम में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जिंदगी में कुछ किया है, वो बहुत अच्छे मेंटर्स बनते हैं। इसलिए ऐसे ही मेंटर एक दो तीन लोग आपको जानने की जरूरत है। मेरे मैं जिम करता हूँ, I go to the gym. मेरे जिम में ऐसे दो लोग हैं जिनके साथ मैं बात करता हूँ चीजों के बारे में। I don't go there for that. महीने में हम सारे दिन वर्कआउट ही कर रहे होते हैं, एक साथ एक्सरसाइज ही कर रहे होते हैं, लेकिन जब किसी दिन कुछ काम करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, आई ड्रॉप देम अ मैसेज, एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाता है, लेट्स टॉक आफ्टर दिस, वांट टू डिस्कस। उन्होंने जिंदगी में कुछ किया है, वो मेरे से दुगने एज में है, लेकिन गुड लिसनर्स, अनबायस्ड ओपिनियन, नो बायस, दे विल सिट विद मी, आधा घंटा सुनेंगे, बात करेंगे और मुझे एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो ये चीज आपको एडमिट करने की जरूरत है। आई विल बी रॉन्ग, you will never be, you will not be always right, the boss is not always right, hame bataya jata hai the boss is always right, the boss is not always right, to ye cheez aapko samajhne ki, ho sakta hai ki aisi situation mein aap fase ki aapne process to thik follow kiya lekin fir bhi wo cheez waise nahi bani jaisa aap chahte the, padhai bhi hota hai, padhai bahut kari, results nahi aaye, college society se participate kiya, event acha nahi gaya, internship mein bahut acha kaam kiya lekin maza nahi aaya, culture acha nahi tha, ho sakta hai, hoga 100% होगा, लेकिन उसको आपको हंस के एक्सेप्ट करना है, कोई नहीं करके, अगली बार आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, इंटेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटेंशन होना चाहिए आगे बढ़ने का, ग्रो करने का। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आपको लगेगा कि मोटिवेशन स्पीकर आए हैं, बात कर रहे हैं हमसे, ऐसा नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरा खुद का काम है रोज का, ये मैं खुद काम करता हूँ, आई वर्क, आई हैव अ टीम विच वर्क्स, क्या 10 out of 10 प्रोजेक्ट्स मेरे अच्छे जाते हैं? नहीं, लेकिन क्या वो इंटेंट 10 out of 10 टाइम्स रहती है? बिल्कुल, इंटेंट नियत होनी चाहिए काम करने। गुड क्वेश्चन, कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? एनीबडी एल्स सर, आपका एक सवाल था? यस, गुड क्वेश्चन, राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर हिम। सर जैसे कि हम लोग को नर्वसनेस हो जाती है किसी से बात करते हैं, या अपोजिट जेंडर से हम बात करते हैं सर, तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, बात ही नहीं हो पाती है, कर ही नहीं पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल को अपने बिल्ड कैसे करें हम लोग? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जेन्युइन सवाल है, ठीक है, बहुत जेन्युइन सवाल है, और ये सभी के साथ होता है सर। पसीना भी आने लगता है, अगर वो पसीना भी आने लगता है, हाथ गीले हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, पैर कांपते हैं, हाथ भी कांपते हैं, ऐसा लगता है क्या करूं, घबराहट हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है, सब होता है, सबके सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में सब ऐसे ही होते हैं। सवाल का ये है कि ऑपोजिट जेंडर के साथ हम आराम से बात नहीं कर पाते। बहुत अच्छा सवाल है, जो लोग हंस रहे हैं ना उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी, अभी तो हंस रहे हो आप, अभी जब बात करने पे आ जाओगे ना तब वही पसीने आएंगे, होता है सबके साथ होता है। ये दो चीजें बताना चाहूंगा, पहली चीज कॉलेज सोसाइटीज, वापस आता हूँ उसी बात के ऊपर, कॉलेज सोसाइटीज में सारे लड़के नहीं होते, कॉलेज सोसाइटी में सारी लड़कियां नहीं होती हैं, लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, और आपको काम साथ में करना है, वहां से वो झिझक दूर होना शुरू होती है, अच्छा लड़की से तो बात कर लो, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ होगा। ये सब लड़का टू लड़की नहीं है, लड़की टू लड़का भी है, बहुत लड़कियां हैं जो कि लड़कों से बात नहीं कर पाती क्योंकि वो पली बड़ी है उस एनवायरमेंट में, ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हैं, ऑल गर्ल्स कॉलेज में अब आ गई हैं, लेकिन वो बात ही नहीं हो पाती किसी से। ये चीज आप जितनी जल्दी तोड़ोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सारे मर्द नहीं मिलेंगे, सारी महिलाएं नहीं मिलेंगी, हमेशा मिक्स में रहोगे और आपको काम करना ही पड़ेगा, वहां पे आपके हाथ में पसीना नहीं आ सकता, वहां पे आप घबरा नहीं सकते, तो नौकरी से जाओगे, आपको वो ग्रुप डिस्कशन में ही बाहर निकाल देंगे, पर्सनल इंटरव्यू में ही बाहर निकाल देंगे। पर्सनल इंटरव्यूज में यूजुअली एक फीमेल एचआर रिक्रूटर हमेशा होती है, बैच में होगा, कोई ना कोई होगा, चाहे वो आपके रिक्रूटर आपके इंटरव्यूअर बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन एक पैनल में जरूर होंगी, होता ही ऐसे है कि आप क्या महिला के साथ बात कर सकते हो, कि अगर हमने आपको अगर आपने एक एक मेल कैंडिडेट मेल इंटरव्यू के साथ अच्छी बात कर ली, आपने जीडी भी क्रैक कर लिया, बहुत अच्छे हो, लेकिन आप लड़कियों से बात नहीं कर पाती इतनी आसानी से, तो अगर मैं आपको कंपनी में लेता हूँ तो मैं फंस गया ना, मेरे को तो काम करवाना है आपसे, मेरे क्लाइंट ही अगर फीमेल है तो आप बात ही नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये
कॉलेज से शुरुआत होती है। अभी तक जितना रहा है झिझक कोई बात नहीं, अब दूर करने की बारी है, कॉलेज सोसाइटीज में आप दूर कर पाओगे। दूसरा मेरा बिल्कुल बात बहुत सुनना, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनको इग्नोर करना, रिलेशनशिप्स कॉलेजेस में होते हैं, होने भी चाहिए। यहाँ पे आप एक दूसरे जेंडर को समझते हो, आप दूसरे जेंडर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आपके इमोशंस होते हैं इसके अंदर। तो रिलेशनशिप में आना कॉलेज लाइफ में अगले 4 साल में, अगर आपको कोई बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, पढ़ाई पे फोकस करो, ये सारी चीजें बकवास है, कान से एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल रहे, बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इफ यू नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद अ फीमेल ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपके एक्चुअल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। और वहीं पे एक दूसरे जेंडर के लिए रिस्पेक्ट भी आता है, आपको महिलाओं की उतनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जितनी महिलाओं ने मर्दों की करनी है, एक तहजीब आप डेवलप करोगे, एक औरत के लिए, एक महिला के लिए दरवाजा खोलने से लेके गाड़ी तक उनको छोड़ना, अच्छे से बात करना, एंड द सेम थिंग गोज फॉर गर्ल्स टू बॉयज, एक रिस्पेक्ट डेवलप होती है, उसकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी, आप एक दूसरे जेंडर को एक दूसरी नजर से देखोगे, एक अच्छे नजरिए से देखोगे, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से देखोगे, वो चीज आज के डेट में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट बिकॉज ऑफ वॉट वी हियर, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ। यू विल बी इन अ वर्ल्ड वेयर यू विल हैव मेल्स एंड फीमेल्स सिटिंग इन द सेम रूम वर्किंग टूगेदर, आपके क्लाइंट्स फीमेल्स हो सकते हैं आपके, एंड फॉर फीमेल्स टू मेल्स हो सकते हैं, ये चीज रहेगी, जितनी जल्दी इस चीज को समझ लो आप उतना बेटर है। सो एक्सप्लोर करो, अपने अंदर से वो झिझक हटाओ, लोगों से बात करो, कॉलेज सोसाइटीज में बात करो, वहां पे आप आधी झिझक आपकी वहीं से हट जाएगी, मजाक नहीं कर रहा, करके देखना, कोई पैदा नहीं होता कूल डूड जी, हम तो किसी से भी बात कर लेंगे, कोई पैदा नहीं होता ऐसा, अंदर से वो निकलेगा, आराम से निकलेगा, प्यार से निकलेगा। गुड क्वेश्चन, सवाल क्या पूछा था, कहां पहुंच गए, बट बहुत अच्छा सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को फर्स्ट ईयर है ना, बहुत टाइम आने पास और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट दूसरे जेंडर की आती है, बहुत मेल्स एंड फीमेल्स, आप एक दूसरे को समझते हो, साइकोलॉजी समझते हो। एनी मोर क्वेश्चंस, सवाल, हाँ जी, सवाल 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 सवाल, हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम रूटीन बनाते हैं, डेढ़ दो महीना फॉलो होता है, और उसके बाद क्या होता है कि मतलब अच्छे से काम भी होता है, डेढ़ दो महीने में जितना चाह रहे हैं मोरल उतना हो जाता है, लेकिन फिर 2-4 हफ्ते का बर्नआउट हो जाता है, तो वो क्या रेशियो सस्टेनेबल रेशियो होता है वर्क टू फ्री टाइम का, और हम लोग अपने लिए स्पेसिफिकली वो कैसे मतलब बिल्ड करें अपना वो बहुत सवाल है, इनका सवाल मैं दोहरा देता हूँ, आपने शायद नहीं सुना, पीछे वालों को आवाज़ नहीं आएगी, इनका ये सवाल है कि हम कुछ रूटीन फॉलो करते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक बर्नआउट स्टेज पे आ जाते हैं और हम उसको आगे परस्यू नहीं कर पाते, फॉलो नहीं कर पाते, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा काम भी अच्छे तरीके से हो जाए और फ्री टाइम में हम अपने पर्सनल ग्रोथ पर भी फोकस कर पाए। प्लानिंग की जरूरत है आपको, आपने प्लान अपने पर्सनल लाइफ को नहीं करना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को करना है। प्रोफेशनल लाइफ का मतलब है कि आप काम क्या कर रहे हैं, कोर्सेज कौन से, क्लास वर्क कौन सा है, एक्स्ट्रा चीजें आप क्या करना चाहते हो, इंटर्नशिप्स में आपको क्या करना है, कौन से वो स्किल सेट्स में आपको काम करने की जरूरत है, उसको प्लान करो, और उसके बियॉन्ड आपका टाइम है, आप जो करना चाहो, बाहर जाना है, मूवीज देखनी है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, जो करना है करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, दैट इज योर टाइम, डोंट प्लान दैट, प्लान योर प्रोफेशनल लाइफ। देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस कि जी 70% हमें काम करना है 30% हमारे लिए, कुछ भी नहीं होता ये। कई बार ये होता है कि मैं जिम नहीं जा पाता हूँ, बाहर ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलता हूँ, सुबह 10 बजे ऑफिस में बैठता हूँ, रात को 1:30 बजे निकलता हूँ, बीच में सर लंच खाता हूँ और डिनर खाता हूँ, होता है, ऐसे भी दिन आते हैं, तो क्या कोई रेशियो है, कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल भी होगा भी नहीं। बाकी की चीज़ें आपको इंकल्केट करने की जरूरत है, प्रोफेशनल लाइफ को प्लान करो, टू डू लिस्ट, अच्छा जी अगले चार दिन में, अगले 5 दिन में कोई ये काम करना है, आप जैसे वो काम खत्म करना शुरू करोगे आगे बार टाइम बचेगा, 24 घंटे में से 8 घंटे के अलावा जो 16 घंटे बचते हैं उसमें वो काम जैसे ही खत्म करना शुरू करोगे वो बाकी के 3-4 घंटे आपके पास बनने शुरू हो जाएंगे, वहां पे आपको अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करना है। देयर इज नो फॉर्मूला एब्सोल्युटली नो फॉर्मूला, तो फोकस करो, काम पे फोकस करो, काम को लिस्ट डाउन करो, वो कागज और कलम पे वापस आऊंगा,
बहुत जरूरी है। प्लानेट आउट, प्लानेट आउट। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है बोलना, लेकिन बिन दैट डन दैट, बिन दैट डन दैट, वही काम मैंने किया भी है, सीखा भी, और आज आपको वही चीज बता रहा हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूं सिर्फ आपसे बात करने के लिए, ऐसी चीज से बात करने के लिए, मैं बहुत रियलिटी की बात कर रहा हूं, बहुत बहुत हकीकत है इन बातों में। एंड ये सिर्फ आप ही कॉलेज के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, टीयर वन टीयर थ्री सिटी, टीयर वन टीयर थ्री कॉलेज, हर जगह यही प्रॉब्लम है, यही सोल्यूशन है। बहुत बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है प्रखर, प्रखर। हाँ जी, हाँ जी मैम, प्लीज। नहीं बन सकते आप, हाउ टू बी अ परफेक्शनिस्ट, बनने की जरूरत भी नहीं है। काम अच्छा करना है, आप क्वालिटी पे फोकस करो, परफेक्शन पे नहीं। क्वालिटी परफेक्शनिस्ट का मतलब ये कट 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 कट, जो मैं काम कर रही हूँ ना बिल्कुल टॉप का कर रही हूँ। हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। देयर इज नोबडी इज परफेक्ट। क्वालिटी पे फोकस करना है कि जो क्वालिटी का काम कर रही हूँ, या अगर मुझे जैसे आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है, परफेक्ट वेबसाइट की कोई चीज ही नहीं है, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट वेबसाइट, बट अ हाई क्वालिटी वेबसाइट इज अ पॉसिबिलिटी, इज सर्टनली समथिंग यू कैन डू। सो वो क्वालिटी पे फोकस करना है आपको, ना कि परफेक्शन पे। परफेक्शन आपके हिसाब से रहेगी, क्वालिटी सामने के साइड से भी रहेगी। जो आपके लिए परफेक्ट है मेरे लिए शायद से 10% हो, लेकिन आपके लिए जो हाई क्वालिटी है हो सकता है कि मैं कुछ रिलेट कर पाऊं उस चीज से। सो इसलिए क्वालिटी पे फोकस करो, काम के क्वालिटी पे, ना कि परफेक्शन पे। क्योंकि अगर मेरा पूरा दिन है 24 घंटे, तो वो परफेक्टली मैं एलोकेट कर पाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। अगर मैं 4 घंटे इस चीज पर एलोकेट कर रही हूं, तो वो 4 घंटे में जो क्वालिटी आउटपुट निकल रहा है वो 10 घंटे के बराबर है, ना कि वो 4 घंटे काम करके फिर अगले टास्क में मैं 2 घंटे काम कर रही हूं। तो वो टाइम बिताना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम में उस काम को खत्म करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो क्वालिटी आउटपुट आते हैं, परफेक्शन पे मत। समझ आ रही मेरी बात? बहुत सिंपल सी बात है ये, और परफेक्शन होता नहीं है, दैट नोबडी यूज परफेक्ट, डोंट लुक एट क्वालिटी, अच्छा काम करने की जरूरत है। हाँ जी, एनीबडी एल्स? यस सर, हम अपनी राइटिंग कैसे मतलब ढूंढ सकते हैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? राइटिंग सही, टीम टीएम, ओके, हाउ टू फाइंड द राइट टीम फॉर योर स्टार्टअप? यस सर, वेरी गुड क्वेश्चन, बैठिए। बहुत अच्छा सवाल है, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी जब मैं अपनी इनिशियल टीम बना रहा था। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से लोग हैं जिनकी आपको जरूरत है। तो आपने आपके एग्जांपल दे सकते हैं? डू यू हैव एन आईडिया इन माइंड? ओके, इज इट अ प्लेटफॉर्म, क्या आप बनाना चाहते हैं? इफ यू ओके विद सर, ऐप बनाना, ऐप बनाना चाहते हो? किस किस्म का ऐप है सर? जैसे Amazon का ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन। यू विल नीड समबडी हु इज टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली, आपको एक ऐप का इंसान चाहिए होगा। हो सकता है कि वो ऐप डेवलपर आप ही हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपको एक और इंसान की जरूरत हो। तो क्वालिटी इंसान की आपको जरूरत है जो आपके विजन में अलाइन करता है, लेकिन ऐसा इंसान आपको हो सकता है ना मिले जो आपके बिजनेस के लिए फील करता है, क्योंकि वो आपका काम है। तो ऐसे इंसान को मैं ढूंढना जो आप ही के बिजनेस को या आप ही कंपनी को अपनी कंपनी समझ के काम करे। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, आपको मिलेगा ही, क्योंकि वो आपकी कंपनी है, आप रोज उठ रहे हो उस कंपनी को बड़ा बनाने के लिए। वो पहले सवाल आया था ना, यू वेक अप एवरी मॉर्निंग बिकॉज यू वॉन्ट योर कंपनी टू, योर बेबी टू ग्रो, बट यू नीड द राइट पीपल अराउंड दैट बेबी टू नर्चर दैट बेबी, ताकि वो बेबी हार्म ना हो। बेबी मतलब आपका एक बच्चा ही होता है, जब एक स्टार्टअप होता है, जब होगा तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। आप चाहते हो कि सही लोग हों उसके आसपास, ताकि जिस दिन आप उस बच्चे के साथ नहीं हो, यानी कि आप काम नहीं कर रहे हो, तो उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इस बच्चे को फिर भी ग्रोथ मिलनी चाहिए। सो दैट राइट पीपल इज वेरी डिफिकल्ट, राइट पीपल आर रियली डिफिकल्ट टू फाइंड, बट पेन डाउन कि मुझे कौन से लोग चाहिए। आपके जहन में वो कौन से लोग हैं जो हो सकते हैं योर टीम, कैन बी अ पार्ट ऑफ योर टीम। आपने 4 लोग आइडेंटिफाई करे, एक मार्केटिंग का चाहिए मुझे, एक डिजाइनर चाहिए, एक यूआई यूएक्स डिजाइनर चाहिए, और हो सकता है कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो थोड़ा सा वेल कनेक्टेड हो नेटवर्क। फिर आपको अपने दिमाग में ढूंढनी है, ये आपको अपने आप को ये बताना है कि आपके कनेक्शन में, आपके नेटवर्क में ऐसे वो कौन लोग हैं जो इस कैटेगरी में फिट होते हैं। पहले आप घर से शुरुआत करो, अपने क्लोज वन से शुरुआत करो, फिर आप उनसे बात करना शुरू करते हो, आप रैशनलाइज करते हो कि क्या ये इंसान
मेरे साथ काम कर सकता है, या क्या इंसान इस काम में मेरा मेरा हिस्सा बनेगा या हिस्सा देगा, अपना अपना टाइम एनर्जी देगा या देगी। तो आप पहले अपने साइड से स्टार्ट करोगे, हो सकता है कि आपको चार में से दो लोग ऐसे मिल जाए, शॉर्टलिस्ट कर पाओ, आप उनसे बात करो, दिस इज माई आइडिया, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू, दिस इज वेर यू कैन कम इन। हो सकता है कि आप उनको एक प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट करना चाहो, हो सकता है कि आप उनको एक स्टाइपेंड देना चाहो, हो सकता है कि आप एक इंटर्नशिप ओपन करो। मैंने भी स्टार्टिंग में इंटर्नशिप ओपन करी थी, मुझे ऐसे दो लोग मिल गए जो मेरी टीम में आज भी हैं। उन दो लोगों को मैंने अपने पर्सनल नेटवर्क के थ्रू अप्रोच किया था कि अच्छा यार ये दो मुझे ऐसे लोग चाहिए, क्या आप इसका पार्ट बन पाओगे। शुरुआत मेरे से हुई, somebody should be your good friend, somebody should look up to you, you should be the driver of the entire baby, of the entire startup. If they feel for you, they will participate, and not for money in that case. They would then want to participate for growth. तो आपको ऐसे दो लोग, मैंने दो लोग आइडेंटिफाई करे जो मेरे साथ काम करना चाहते थे, पैसा कम था लेकिन काम करना चाहते थे। बाकी के जो चार पांच लोग थे, मैंने उनके लिए इंटर्नशिप ओपन करी, कैसे लिंक्डइन के ऊपर, कैसे इंस्टाग्राम के ऊपर, कैसे एक दो कॉलेजेस में एक जॉब डिस्क्रिप्शन भेजकर लोगों ने अप्लाई किया, मैंने इंटरव्यू किया, अच्छा ये इंसान अच्छा है। आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज तो कर रहे हो, इंसान को ढूंढ ही तो रहे हो, वो कौन सा इंसान है जो आ सकता है। तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, मल्टीपल तरीके हैं करने के। तो शुरुआत आप घर से करोगे, नहीं मिलता फिर आप एक ऐसे मेंटोर से बात कर सकते हो जो हो सकता है कि आपको एक अच्छे इंसान से कनेक्ट कर पाए। आप अगर ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, या एक ऐप या एक ई कॉमर्स कंपनी के कंपनी खोलना चाहते हो, टॉक टू समबडी हु हैज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। आपका डायरेक्ट कंपेटिटर हो सकता है कि शायद से ना हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन अमेज़न और आर यू टॉकिंग अबाउट समथिंग टू डू विद मिंत्रा, मिंत्रा में सिर्फ एक्सेसरीज एंड क्लोथिंग ब्रांड्स है, लेकिन अमेज़न में सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी मिंत्रा पे जाओगे क्योंकि आपको पर्टिकुलर चीज खरीदनी है, राइट। कपड़ों के लिए आप मिंत्रा पे जाओगे, बाकी चीजों के लिए जाओगे, आजकल तो और shein.com भी था पहले, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होती हैं, राइट। आप अमेज़न पे फिर भी वही चीज मिल रही है, लेकिन आप जा कहीं और रहे हो। तो क्या आप एक स्पेसिफिक चीज के लिए वेबसाइट बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, या एक जनरल चीज के लिए बना रहे हो? तो आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो आपका डायरेक्ट कंपेटिटर ना हो, एंड आपके लिए वो आपको वो गाइड कर पाए कि वो कौन सा इंसान है जो आपको मिल सकता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दो तीन तरीके हैं, इंटर्नशिप्स आप निकाल सकते हो, लिंक्डइन पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। इंटरव्यू आपको करना पड़ेगा, टाइम लगता है, मेरे को चार महीने लग गए थे अपने चार लोगों को ढूंढने के लिए, हो सकता है आपको चार दिन भी ना लगे। वो शुरुआत अपने आसपास से करोगे, फिर आप थोड़े सा एक्सपैंड करोगे, फिर आप पब्लिक में उस बात को फैलाओगे, लेकिन मिलेगा 100% मिलेगा। समझ आ रही है कुछ, थोड़ा सा आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन आंसर कर रहा था मैं इनका, बट आपको विजुअलाइज कर पा रहे हो, दिस कुड बी अ क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। शुरुआत घर से होगी। एनीबडी एल्स? हाँ जी सर, नेगेटिव थिंकिंग कैसे दूर करें? क्या नेगेटिव थिंकिंग हो रही है आपको? गुड क्वेश्चन, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, कोई रीसेंट नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बताओगे आप मुझे? क्या आपने रिसेंटली क्या नेगेटिव सोच में पड़े हो? जनरल तरीके से बात कर रहा हूँ सर, जैसे कॉलेज में आया तो मतलब कुछ लैंग्वेज जैसे मेरे को नहीं आते, बहुत लोग आते हैं, ठीक है, आगे का मतलब एक डर बैठ जाता है कि बेटर है कि बात ही ना करें, झिझक हो जाती है अंदर, होता है, बिल्कुल होता है, लैंग्वेज बैरियर है, बैठो बिल्कुल बैठो, लैंग्वेज बैरियर है, एक्सेंट की प्रॉब्लम है, रीजनल एक्सेंट आ जाता है इसके अंदर। आपकी इंग्लिश ठीक है, आप वर्ड ठीक से प्रोनाउंस कर रहे हो, लेकिन वो एक्सेंट की वजह से अगले को समझ नहीं आ रहा, जो डायलेक्ट होता है, हरियाणा में एक डिफरेंट डायलेक्ट है, यूपी में डिफरेंट डायलेक्ट है, आपको आप साउथ से आ रहे हो तो एक डिफरेंट है। साउथ से कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे? साउथ से है कोई यहाँ पे? साउथ से यहाँ पे कोई नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से है कोई? नॉर्थ ईस्ट से एक दो है, ठीक है, बाकी सारे यूपी के हैं, नॉर्थ के हैं, आप कश्मीर या उत्तराखंड का भी एक्सेंट डिफरेंट है, उत्तराखंड से है कोई? उत्तराखंड से भी है। सो डायलेक्ट चेंज हो जाता है, राइट, डायलेक्ट चेंज हो जाता है। आपको घबराने की बात नहीं है, आपको फोकस करना है एक चीज के ऊपर। मैं चाहूंगा कि सब लोग इस बात को सुने, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो अपने डायलेक्ट को सुधारने के लिए, इंग्लिश को सुधारने के लिए, इंग्लिश मूवीज और टीवी शोज देखना शुरू कर दो। ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश शोज, क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट हमसे डिफरेंट है, आपको वो आपको समझने में बहुत टाइम लगता है। ब्रिटिश इंग्लिश आप बहुत जल्दी पकड़ लोगे, ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश मूवीज, यूरोपियन, इनको देखना शुरू करो, फोन में डाउनलोड करो, अमेज़न प्राइम,
एंड ब्रिटिश इंग्लिश की जितनी मूवीज हैं उनको देखना शुरू करो सब टाइटल्स के साथ. ये चीज पहला, ये पहली बार सवाल नहीं पूछा गया, ये कम से कम 50-60 बार ये सवाल मेरे से पूछा गया जी. हमारी डायलेक्ट डिफरेंट है, हम बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बात ही ना करें बेटर है. होता है, ब्रिटिश मूवीज इंग्लिश मूवीज शोज को देखना शुरू कर लो, महीने के अंदर आपको फर्क दिख जाएगा, महीने के अंदर. तो जस्ट इमेजिन एक साल में कितना फर्क पड़ जाएगा. प्रैक्टिस करो, दरवाजा बंद करके वही चीज बोलने की कोशिश करो. अगर इस इंसान ने इस वर्ड को इस तरीके से प्रोनाउंस किया है तो मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्या मैं उस तरीके से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. लिख के दे रहा हूँ, एक महीने में इंप्रूवमेंट आ जाएगी. लिख के दे रहा हूँ, बाहर लगा देना बोर्ड पे, मैं आया था बोल के गया था फोटो के साथ ये वाली. बहुत फर्क पड़ेगा. नथिंग टू वरी, कुछ लॉस नहीं हुआ है. 4 साल बहुत टाइम है, बहुत बहुत ज्यादा टाइम है. आपको अगर आज डर लग रहा है, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे फ्लॉलेस बिल्कुल स्मूथ इंग्लिश आप बोल सकते हो जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ. 3 साल से भी कम टाइम लगेगा आपको. मैं तो 3 साल इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, गारंटी है. करोगे? ज्यादा हो गया, फोन है मोबाइल फोन yes, डाउनलोड कर लो, देखना शुरू करो. ये चीज आपको करनी पड़ेगी. शोज उठाओ. एनीबडी मोर क्वेश्चन. बहुत बेसिक सवाल है और ये बिल्कुल चौथा सवाल नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं. एनीबडी एल्स एनी मोर क्वेश्चन? हाँ जी सर. बहुत सवाल है, पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें. दो तरीके हैं इसके, पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करना है. पहली चीज, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा एक ऐसे इंसान को जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया, वो सूट कैसे पहन रहा है, उसकी शर्ट कैसी है, उसके बाल कैसे हैं. दिस गोज़ फॉर द गर्ल्स आल्सो. इस लेडी ने अपने सूट को कैसे पहना है, उनकी साड़ी कैसे है, उन्होंने शर्ट को कैसे पहना है, उनके ब्लेजर का कलर क्या है, ये इंसान बैठ कैसे रहा है, उसके पैर कैसे क्रॉस हो रहे हैं, उसने कौन से जूते पहने हैं, वो किस तरीके से उसका सर ऐसे है या ऐसे झुक के बात कर रहा है, वो फोन को कैसे पकड़ के देख रहा है, फोन पे बात कैसे कर रहा है, उसने माइक कैसे पकड़ा है, वो चल कैसे रहा है. ये सारी चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी. अभी तो ऑफलाइन चीज़ें खुलनी शुरू हो गई हैं, आप कॉन्फ्रेंसेज में जाना शुरू करो. मैं चाहूँगा कि भाई फैकल्टीज में आप इस चीज़ को प्लीज़ नोट करिएगा, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कॉलेज की तरफ से रजिस्टर करने की जरूरत है एंड देन वो आपको एक स्टूडेंट पास देते हैं एंड देन अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स 10-15-20 कैन गो एंड अटेंड. वहाँ पे आपको किस किस्म के लोग मिलेंगे, जो अच्छे सेटल्ड वेल एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट्स में एक टॉप लेवल की पोजिशन को होल्ड करते हैं और आप उन्हीं के साथ उसी कमरे में होंगे. क्या इससे बेटर चांस आपको मिल सकता है ऐसे इंसान को ऑब्जर्व करने का, जिस इंसान की तरह आप बनना चाहते हो 30 साल बाद 20-25-30 साल बाद. वो इंसान आज आप ही के साथ, आप ही कमरे के अंदर है और आपका काम है सिर्फ ऑब्जर्व करना उस इंसान को कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे है. उसी को समझो, लिख लो, अपने दिमाग में रजिस्टर कर लो और घर जाके अपने आप को उसी सूट में, भरी सूट पहनो, मिरर में देखो, आईने में देखो अपने आप को और देखो कि मैं कैसे खड़ा हूं और वो कैसे खड़ा था, मैं कैसे बैठ रहा हूं वो कैसे बैठा था. आपके यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, होंगे आगे, यू विल बी एक्सपीरियंसिंग दैट. वहां पे एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, एक चीज बताई जाएगी, कैसे बैठना है, कैसे सूट को कैरी करना है, आपको बात कैसे करनी है, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे होने चाहिए. ये पर्सनैलिटी का खेल है. जब आप औरतों के साथ, महिलाओं के साथ इंटरेक्ट करोगे, आपकी पर्सनैलिटी और बेटर होगी. एक टेंडेंसी होती है ऑपोजिट जेंडर के सामने बेटर परफॉर्म करने की, इन द सेंस बेटर पर्सनैलिटी निकालने की. वो भी एक बूस्टर फैक्टर अफेक्ट करता है. यू वुड वॉन्ट टू बी एट योर बेस्ट. आपको अपने गंदा साइड नहीं दिखाना, आपको अपना अच्छा साइड दिखाना. और होता है एक अंदर से अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन इफेक्ट में चलती है, 2-3-4 महीने ज्यादा से ज्यादा एंड यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल्टोगेदर. मैं यही काम करता हूँ, यही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं मेरे एंड वो एक इंसान कुछ और होता है 4 महीने पहले और 4 महीने बाद कुछ और ही होता है. और ये चीज़ आपको रिक्रूटमेंट परस्पेक्टिव से, इंटर्नशिप के परस्पेक्टिव से बहुत हेल्प करेगी.
क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपका रिक्रूटर ये सारी चीजें बिल्कुल देखेगा। आप जब एक ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे तो रिक्रूटर आपकी बातों से ज्यादा आपके हाव भाव को देखेगा कि आप सामने वाले इंसान के साथ बात कैसे कर रहे हो, आप बैठे कैसे हो, क्या आप अगले इंसान को चांस भी दे रहे हो बात करने का या आप खुद ही लगे पड़े हो। आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग? आपका सर गिर रहा है, आपके हाथ कांप रहे हैं, आप बैठे कैसे हो, आपके जूते कैसे हैं, ये सारी चीजें नोटिस करी जाएंगी। ये चीज आपको तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आप किसी को ऑब्जर्व ना करो और आपको कोई टोके ना, और वो आपके इन सोसाइटीज और आपके इन प्रोग्राम्स के थ्रू होगा। सो ये जो सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे आपके, इनको बहुत सीरियसली लेना। ये मत सोचना कि इसके मार्क्स नहीं है तो ये गलत, ये प्राइसलेस है, ये मार्क्स से बहुत ज्यादा है। अगर आपके इतने 9 CGPA भी आ गए ना और ये इसमें गोल हो, आप कुछ नहीं होने वाला, कंपनी आपको अपने मार्क्स के बेसिस पे लेने ही नहीं वाली। आपने उसके अलावा और क्या काम किया है वो स्ट्रक्चर बनता है। मजाक नहीं कर रहा, मेरा काम ही यही है, मैं रिक्रूटमेंट भी करता हूँ, मैं उसको हायर्ड एज एन एचआर कंसल्टेंट, मजाक की बात नहीं है, यही सारी चीजें देख रहा हूँ। इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं आपको रियालिटी बता रहा हूँ, 5-10 साल पहले की नहीं, आज। मैं अभी नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे को एक और रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कैंपस प्लेसमेंट है गुड़गांव में, 2-3 कॉलेजेस आएंगे, वहां पे मेरी ट्रेनिंग, वहां पे मेरी रिक्रूटमेंट है, आई बी गोइंग देयर एज अ रिक्रूटर फॉर अ कंपनी हु इज हायरिंग। सेम चीज है, सेम प्रोसेस है, तो मजाक की बात नहीं है जो बता रहा हूँ, बहुत सीरियस बता रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा बर्नआउट पोजिशन खा जाओगे आप, लंच कर लेते हैं, ठीक है? बताइए 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 हेजिटेशन कैसे कम करें और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कैसे करें। इनका सवाल है हेजिटेशन को कैसे दूर करें और कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे डेवलप करें। थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन, दो